नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है सभी भाइयों को। कार्यालय सहयोग संचालक लोक शिक्षण इंदौर संभाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21/7/2024 में आदेश निकला है। और जिला शिक्षा अधिकारी जिला इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इतने जिलों के लिए आदेश है। प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद प्रभार की कार्रवाई के बाबत, तो यहाँ पर इन्होंने संदर्भ लिया है और यहाँ पर देखते हैं क्या कार्रवाई है। उपरोक्त विषय अंतर्गत आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के संदर्भित पत्र क्रमांक 10/7/2024 को आयोजित वेबिनार में दिए गए निर्देशों के परिपालन में माह अक्टूबर 2023 में उच्च पद प्रभार हेतु आयोजित विषांकित काउंसलिंग में छूटे हुए शेष बचे हुए लोक सेवकों की वरिष्ठता क्रमांक सोमवार दिनांक 22 जुलाई 2024 को प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के लिए उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग संलग्न कार्यक्रम समय सारिणी जारी की गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी जिला इंदौर द्वारा प्राथमिक शिक्षक की उपलब्ध कराई गई सूची रुटिपूर्ण होने से संभाग स्तर पर प्राथमिक शिक्षक की सूची का संकलन करने के उपरांत ग्रेडेशन से सूची जारी की गई थी, जो कि रुटिपूर्ण होने से संदर्भित पत्र क्रमांक 2065 दिनांक 19/7/2024 द्वारा जारी की गई काउंसलिंग की सूची को निरस्त करते हुए संभाग स्तर से जिलावार एवं विषयवार योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को सरल क्रमांक 01 से 4/6/40 तक की सूची जारी करते हुए नीचे दी गई समय सारणी अनुसार विषयवार लोक सेवकों को सम्मिलित करते हुए पुनः संशोधित सूची समय सारणी उपलब्ध कराई जा रही। उक्त काउंसलिंग हेतु आप तत्काल निम्न अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। पहले जो सूची थी वो गलत थी, अब यहाँ पर क्या निर्देश दिए हैं। प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की विषयवार सूची में उल्लेखित समस्त लोक सेवकों को सूचित कर काउंसलिंग हेतु दिनांक 22 जुलाई 2024 को विषय मान से निर्धारित समय 1 घंटे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित करावें। प्रतिभागियों के लिए बैठक एवं पेयजल इत्यादि की समुचित व्यवस्था रखी जावे। काउंसलिंग में विलम्ब न हो। उपस्थित लोक सेवक को शाला विशेष का चयन का अधिकार नहीं होगा तथा इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा। शालावार रिक्तियों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्काल परीक्षण कराया जाएगा। यदि किसी शाला में विषय मान से पद रिक्त नहीं है तो उस शाला को आवंटित नहीं किया जाएगा। प्रदर्शित शालावार रिक्तियों में भौतिक रूप से संबंधित विषय का पद रिक्त होने पर ही काउंसलिंग की जाकर शाला आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वह भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी शाला में कुल स्वीकृत पदों से अधिक पर पद स्थापना नहीं हो। सीएम राय और उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित लोक सेवकों को सीएम राय उत्कृष्ट विद्यालय में संबंधित विषय का प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षा का पद रिक्त होने पर यथावत सीएम राय विद्यालय में ही उच्च पद प्रभार दिया जा सकेगा। पद रिक्त नहीं होने पर अन्यत्र स्थान पर उच्च पद प्रभार दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवक का यदि अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है तो नवीन जिले में कार्यभार ग्रहण कर दिनांक से वरिष्ठता का निर्धारण होगा। तदनुसार उन्हें पात्रता आने पर ही उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों का नवीन संवर्ग में नियुक्ति के पूर्व अंतर निकाय सविलियन हुआ है तो उनकी वरिष्ठता चेक करने के बाद ही उन्हें काउंसलिंग में सहभागिता का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे लोक सेवक जो जिन्होंने सेवा के दौरान यदि स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है तो वह जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति होने पर ही मान्य की जाएगी, एवं जिनके द्वारा संकुल प्राचार्य स्तर से अनुमति ली जाकर परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उनकी अनुमति मान्य नहीं की जाएगी एवं न ही उन्हें उच्च पद प्रभार के लिए मान्य किया जाएगा। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक 02/6/7 भोपाल दिनांक 19/7/2024 में दिए गए निर्देश अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभी लोक सेवकों की शिक्षण की योग्यता जिला शिक्षा अधिकारी काउंसलिंग प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व दस्तावेजों का परीक्षण कर लिया जाए। मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक उपाधिधारी लोक सेवकों को ही संबंधित विषय की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। स्नातक योग्यता के आधार पर एक से अधिक विषय की काउंसलिंग में आमंत्रित लोक सेवक कोई एक विषय की काउंसलिंग में भाग ले सकेगा। इस विषय का चयन स्वयं लोक सेवक द्वारा किया जाएगा। लंबे समय से अनुपस्थित लोक सेवक की जानकारी को भी चेक किया जाए और एक विभागीय जांच कोर्ट केस EWS का प्रभाव होना इत्यादि जो उच्च पद प्रभार के प्रभावित करता हो की जानकारी भी जिला स्तर पर चेक की जावे। किसी लोक सेवक के विरुद्ध इस प्रकार की प्रकरण होना संज्ञान में आता है तो काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं उसकी जानकारी इस कार्यालय
को उपलब्ध कराई जाएगी। काउंसलिंग में उपस्थित अनुपस्थित लोक सेवक एवं पूर्ण रिकॉर्ड संग्रहित किया जाए। उच्च पद प्रभार हेतु प्रत्येक लोक सेवक में लिखित सहमति या असहमति प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाएगा। सभी संबंधित लोक सेवक को विषयवार उच्च पद प्रभार हेतु वरिष्ठता दिनांक से अवगत कराया जाए। यदि कोई लोक सेवक बीमारी इत्यादि कारण से काउंसलिंग में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह अपने स्थान पर अपने परिवार के सदस्य अथवा अन्य लोक सेवक अथवा नाम पदनाम पता मोबाइल नंबर का विवरण देते हुए काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अधिकृत कर सकता है, किंतु इस हेतु उसे लिखित मूल अधिकार पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को जमा करना होगा। यदि किसी विषय में स्नातक योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के वरिष्ठ लोक सेवक का नाम माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च पद प्रभार हेतु छूट गया तो उसकी प्रथम नियुक्ति आदेश स्नातक की अनुसूची इत्यादि स्थापित के प्रति सात अभ्यावेदन प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख से मिलान कर इस कार्यालय को स्पष्ट अभिमत सहित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्परता से प्रेषित किया जाए ताकि उन्हें भी उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा काउंसलिंग हेतु कंप्यूटर इंटरनेट एवं दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर की समुचित व्यवस्था एवं प्रतिभागी शिक्षकों को विषयवार उपस्थिति लेने की बैठक व्यवस्था दस्तावेजों के परीक्षण उच्च पद प्रभार हेतु सहमति असहमति पत्र भरकर जमा कराने हेतु आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऐसे लोक सेवक जिनका पदांकन गुरुजी के पद पर हुआ है तो उनकी नियुक्ति दिनांक अंकित न करते हुए संविदा शिक्षक पद पर नियुक्ति दिनांक अंकित है अथवा नहीं का परीक्षण कर लिए जाने के उपरांत ही पात्र पाए जाने पर उच्च पद के प्रभार में सम्मिलित किया जा सकेगा। उक्तानुसार निर्देशों का पालन करते हुए सभी संबंधित लोक सेवकों को उनकी स्नातक की अंग सूची एवं उनके नियुक्ति संबंधित अभिलेखों के साथ काउंसलिंग में उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा विसंकेत काउंसलिंग हेतु जिला मुख्यालय पर उचित स्थान चयनित करें जहां काउंसलिंग हेतु प्रतिभागी शिक्षकों की बैठक पेयजल एवं शौचालय इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो। प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च पद प्रभार की काउंसलिंग हेतु विषयवार युक्तधारी प्राथमिक शिक्षकों की सूची पृथक से जारी की जाएगी और विषयवार काउंसलिंग कार्यक्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों बड़ी कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर संभाग प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च पद प्रभार हेतु समय सारिणी काउंसलिंग सोमवार दिनांक 22 जुलाई 2024 को दोपहर 12 बजे से विषयवार क्रम की समय सारिणी काउंसलिंग सम्मिलित होने पर लोक सेवक की उपस्थिति समय प्रातः 9 से 12 बजे तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ टू MS 1 दोपहर 12 से 2 बजे तक और 11/2/2022 22/9/2022 5/4/2023 और यहाँ पर पूर्व माह में अक्टूबर 2023 को आयोजित काउंसलिंग के आधार पर ऑनलाइन आदेश जारी होने के उपरांत विषयवार पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर स्नातक योग्यता रखने वाले छूटे हुए शेष बचे प्राथमिक शिक्षकों को उक्त काउंसलिंग में आमंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट है दोस्तों और ये बड़ी लिस्ट है इंदौर संभाग की। यहाँ पर तमाम वो प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने अपनी योग्यता बढ़ाई है और अब उनको उच्च पद प्रभार यानी MS में उनको मौका मिल रहा है। जिस सब्जेक्ट से उन्होंने स्नातक की है उसी सब्जेक्ट से मिडिल स्कूल में वो पढ़ाएंगे और मिडिल स्कूल में काम करने वाले अतिथि शिक्षक अब काम करने वाले अतिथि शिक्षक का पूर्ण रूप से बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें कम से कम 10,000 अतिथि शिक्षक फिर बेरोजगार होंगे। इंदौर संभाग की है मित्रों और इस तरह अगर ऐसा होता रहा तो फिर बचे खुचे अतिथि शिक्षक यानी 10-15 हज़ार अतिथि शिक्षक ही बचेंगे तो उनकी भर्ती फिर होगी और होगी या नहीं होगी 1,000-2,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी मित्रों। इस तरह का अगर काम चलता रहा तो आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।